हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्राइंगल्स। पहले वही बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे और फिर अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे। तो ट्राइंगल्स का अगर मैं ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्राइंगल्स क्या है? ट्राई प्लस एंगल्स मीन्स तीन एंगल्स से मिलकर बना हुआ। दैट मीन्स एक एनक्लोज्ड फिगर जिसमें कितने एंगल्स होते हैं? यहाँ पर तीन एंगल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ ट्राइंगल का, क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्राइंगल, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं? यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लेंथ कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू लेंथ, किसकी लेंथ? ऑफ साइड्स, या फिर अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर अगर मैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो इसके कितने टाइप्स हो जाते हैं? यहां पर स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, और यहाँ पर जो थर्ड हो जाता है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता हूँ तो इसके भी तीन टाइप हो जाते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल। ये सारी चीज़ें आई थिंक तुम लोगों को बहुत ढंग से क्लियर होंगे, अब तक पढ़ते आए होगे, ये सारी चीज़ें बहुत ढंग से क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं अपने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, जिसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट फिगर, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, तुम्हारी मैथ्स की बुक है, मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक, अगर दो मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो वो अगर ऊपर से देखता हूँ तो वो पीछे वाली नहीं दिखाई देगी, पीछे से देखता हूँ तो आगे वाली नहीं दिखाई देगी। दैट मीन्स एक फिगर दूसरे को पूरी तरह से क्या कर ले? ओवरलैप कर ले, मीन्स पूरे को क्या कर ले? कवर कर ले। तो वो कौन सी फिगर्स होती हैं? यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अच्छा, यहाँ पर ट्राइंगल्स में हमें किस तरह से पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल में किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है? तो जैसे एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होगा? यहां पर ए बी सी ट्राइंगल है और एक ये पी क्यू आर ट्राइंगल है। जब ये ट्राइंगल इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा और ये ट्राइंगल इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल जब एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेंगे, कोई भी अगर मैं एक ट्राइंगल को देखता हूँ तो पीछे वाला ट्राइंगल नहीं दिखाई देता, पीछे वाले ट्राइंगल से देखता हूँ तो मैं आगे वाला ट्राइंगल नहीं देख पाऊंगा, तब ये जाके कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इनके क्राइटेरियाज समझेंगे कि किसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया के लिए सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया आता है यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना कि पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, ठीक है, पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, ओके। जैसे एक ट्राइंगल है तुम्हारा ABC और दूसरा ट्राइंगल है तुम्हारा PQR, PQR, और मेरे को ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू है PQ के, AB किसके इक्वल है यहाँ पर? PQ के इक्वल दे रखा है, और BC जो है, और यहाँ पर एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और BC किसके इक्वल दे रखा है? QR के इक्वल दे रखा है। मींस पहले मेरे को साइड दे रखी है, फिर मेरे को एंगल दे रखा है, जस्ट इसके बाद एंगल, साइड के बाद ये वाला एंगल आएगा, साइड के बाद ये वाला एंगल आएगा, मींस ये ऐसा नहीं हो सकता ये वाली साइड है फिर ये वाला एंगल हो जाए,
ठीक है, जब हम बात ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी रूल की करेंगे तो साइड के बाद तुरंत एंगल आना चाहिए, फिर तुरंत साइड आनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर साइड एंगल और ये साइड साइड, तो साइड एंगल साइड, ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे इस टाइम पर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर के बाई कौन से रूल के अकॉर्डिंग, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर ऐसा हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की साइड्स भी, जैसे ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो बाई सी पी सी टी से हम क्या लिख सकते हैं, सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स, अब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से बचे, ए सी और पी आर, तो दैट मीन्स ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पी आर के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, और एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। मीन्स अगर हम ऐसे ऐसे ट्राइंगल प्रूव करते हैं तो बाकी की साइड्स को भी, बाकी के साइड्स और बाकी के एंगल्स को भी बाई सी पी सी टी से प्रूव कर सकते हैं कि क्या होंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। इसी तरह से एक और कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, सबसे पहला एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, उससे अगला क्या है हमारा, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल में एंगल साइड एंगल, इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हमारे ट्राइंगल्स, वही मैं सेम ट्राइंगल्स ले लेता हूँ ए बी सी और पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर मैंने ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पर ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या ले लिया मैंने यहां पर पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें बात हुई है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सबसे पहले एंगल, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, मींस इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल की बात की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और बी सी जो है इक्वल टू क्यू आर है, और एंगल सी जो है वो एंगल टू इक्वल टू आर है। ओके, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा, अगर मेरे को ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल दे रखा है तो एंगल के जस्ट बाद साइड आनी चाहिए, फिर एंगल आ, ऐसे नहीं एंगल के बाद ये वाली साइड आ गई फिर ये वाला एंगल, नहीं, मीन्स एक बिल्कुल एंगल साइड एंगल, इस तरह से एंगल साइड एंगल इसी तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब बाकी की साइड्स जो भी बची हुई हैं, मीन्स बी सी इज इक्वल टू क्यू आर तो था ही, अब बाकी का ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर पी आर के इक्वल हो जाएगा। ए सी किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, पी आर के इक्वल हो गया, और ए बी यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर पी क्यू के इक्वल हो गया। और एंगल्स कितने बचे हुए हैं, अब एक एंगल बचा हुआ है, इसमें एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी के बचे हुए कॉन्ग्रुएंसी रूल्स मैं सिर्फ बता देता हूँ। ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, एक होता है ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। एक और कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, जहां बच्चे मैंने देखा है ज्यादातर कंफ्यूज होते हुए, वो होता है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसको मैं आरएचएस को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल मींस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, चलो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मैंने दो, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या है, यहाँ पर आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड,
एंड एस स्टैंड फॉर साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एबीसी और दूसरा ट्राइंगल ले लिया यहाँ पर पी क्यू आर। ओके, एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और यहाँ पर मेरे को क्या गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू मेरे को गिवन है। एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, वो तो हो गए दोनों 90 डिग्री होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों 90। और यहाँ पर हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये भी इक्वल होना चाहिए। और इसके साथ साथ या फिर तो हमारा ए बी पी क्यू के इक्वल हो या बी सी क्यू आर के इक्वल हो, कुछ ना कुछ तो इक्वल, मतलब कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी ही चाहिए। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ए बी सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और बाकी के बचे हुए एंगल्स भी इसी तरह से, जैसे अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाले एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और साइड कौन सी बची हुई है, ये तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। मींस हम क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंसी से बाकी का जो भी बचाव होता है उसको भी हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक शायद तुमने सुना होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। थ्योरम फर्स्ट है हमारी और ये है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स किसकी, अच्छा इक्वल साइड्स किसकी होती हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल की, ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पर ये मैंने ले लिया आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स मींस टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर ए बी सी, ये मेरा आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। और ए बी सी ट्राइंगल पर मेरा ए बी किसके इक्वल है, यहाँ पर ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिविन क्या है मेरा यहाँ पर कि ए बी जो है मेरा ए सी के इक्वल है। और मेरे को टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट मींस मेरे को प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल गिविन है, वो गिविन नहीं प्रूफ करना है ये बात। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। एक हमने एंगल ए से बाइसेक्ट करता हुआ यहाँ तक बना दिया, बाइसेक्ट करता हुआ मींस यहाँ तक बना दिया, दैट मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मैंने बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ओके, प्रूफ करते हैं। प्रूफ, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी। अब मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लिए, एक तो बी ए डी ट्राइंगल ले लिया और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लिया, सी ए डी ले लिया। और बी ए डी और सी ए डी में तो अब ध्यान से देखते हैं कि ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल होगा, ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ए सी के इक्वल होगा। क्यों, ये गिविन है मेरे को, है ना, ये दिख रहा है तुम्हें, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। इसके अलावा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी होगा, क्यों, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्यों, क्योंकि ये मैंने ड्रॉ किया था ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो उस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, लिख देंगे सिंस ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी भी हो गया। और इसके अलावा अगर मैं ए डी देखता हूँ तो ए डी इज इक्वल टू ए डी मेरा क्या आ रहा है, कॉमन साइड आ रही है, ए डी इज इक्वल टू ए डी मेरा क्या आ रहा है, कॉमन साइड है,
तो ध्यान से देखते हैं भाई, साइड एंगल साइड, देखो ध्यान से, साइड फिर उसके जस्ट बाद एंगल फिर उसके जस्ट बाद साइड, तो भाई SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल BAD जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल CAD के। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, जैसा मैंने अभी बताया था, अगर एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बाकी के एंगल्स और साइड्स को हम CPCT से इक्वल लिख सकते हैं, तो ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल C नहीं होगा, देयरफॉर एंगल एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमारा काम क्या होता है कि हमें कैसे भी ना ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। यहाँ पर मेरे को क्या दे रखा है कि मतलब क्या प्रूफ करना है कि एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स किसके अपोजिट, इक्वल साइड्स के अपोजिट, किस में, आइसोसेल्स ट्राइंगल में वो इक्वल हैं। ओके तो यहाँ अगर मेरा ए बी सी ट्राइंगल हो गया और ए बी सी ट्राइंगल में मेरा ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर गिवन है, मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये मेरे को प्रूफ करना है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए, और एंगल्स को हम बाई CPCT के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट किसके, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कैसे, अब तक हमने क्या प्रूफ किया था, अभी मैंने प्रूफ किया था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसका जस्ट अपोजिट प्रूफ करते हैं। जस्ट अपोजिट क्या है हमारा, द साइड्स अपोजिट, द साइड्स अपोजिट, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ओके चलो, अब यहां पर क्या गिवन है, अब यहां पर मैंने क्या ले लिया, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल ले लिया, ये मेरा हो गया ABC, कोई भी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC, ये तुम्हारा एक आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया, और इसमें AB इज इक्वल टू AC है, और इसमें मैंने ले लिया D और E दो पॉइंट्स, D और E ये दो पॉइंट्स ले लिए, और मैंने इनको इसे ध्यान से देखना इस थ्योरम को, D और E दो पॉइंट्स ले लिए, और इसमें ये भी है कि BE जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर CD के इक्वल है, BE जो है किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और मेरे को क्या शो करना है कि AD जो किसके इक्वल होगा, AE के इक्वल होगा, ठीक है, अपोजिट साइड से तो मेरे को इक्वल प्रूफ करनी है। चलो शुरू करते हैं, गिवन AB इज इक्वल टू AC मेरे को गिवन है, इसके साथ साथ मेरे को ये गिवन है कि BE इज इक्वल टू किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, BE इज इक्वल टू यहाँ पर CD के इक्वल गिवन है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे, AB इज इक्वल टू AC है, नो प्रॉब्लम, AB इज इक्वल टू AC है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा कि नहीं होगा, अभी मैंने प्रूफ किया था ना कि अगर AB AC के इक्वल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अभी जस्ट प्रूफ किया था, ठीक है, लिख देंगे सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके ये हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। इसके बाद मेरे को ये भी दे रखा है BE इज इक्वल टू CD, है ना, बी इज इक्वल टू CD। अच्छा मैं काम करता हूँ, BE में से भी DE को माइनस कर देता हूँ और CD में से भी DE को माइनस कर देता हूँ, जैसे वही वाली बात होगी ना, ये राम है ये श्याम है, दोनों के पास 10-10 रुपए हैं, अगर दोनों में से मैं 5-5 माइनस कर देता हूँ तो दोनों के पास अमाउंट तो इक्वल रहेगा ना, तो माइनस सेम कर रहा हूँ, माइनस क्या कर रहा हूँ, मैं सेम कर रहा हूँ, DE को ही माइनस कर रहा हूँ, तो BE में से DE जाएगा तो ये आ गया BD, और CD में से DE जाएगा, CD में से DE जाएगा तो ये आ जाएगा CE। ओके अब मैंने दो ट्राइंगल ले लिए ABD और ACE, इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्राइंगल ए सी ए। ए बी डी और ए सी ई ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ले लिया, और ए बी यहाँ किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए बी यहाँ किसके इक्वल है, ये वाली साइड किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, ये तो गिवन है ना मेरे को। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मैंने प्रूव किया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूँ, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन हो जाएगा, और ये फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट पार्ट से, ठीक। एंगल बी और ये बी डी इज इक्वल टू सी ई, जस्ट मैंने अभी फिर से ये भी प्रूव किया, तो बी डी इज इक्वल टू सी ई फ्रॉम सेकेंड। तो ध्यान से अगर देखते हैं तो साइड एंगल साइड देयर फोर बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल ए बी डी जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी ई। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी ई हो गया, तो यहाँ पर ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ए ई के इक्वल हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए ई। और मेरे को यही प्रूफ करना था, ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी पी सी टी। तो मीन्स थ्योरम का जो भी पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जितने भी बन सकता था वो मैंने करा दिया। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज होंगी तो हम एक एक करके सारी एक्सरसाइज लेना शुरू कर देंगे, ओके। नाउ इनफ फॉर टुडे।